नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाया अकेडमी भोपाल में। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे गम धातु। गम या गच, जिसका मतलब होता है आपका जाना। क्या होता है इसका मतलब? जाना, जाना। और इंग्लिश में कहते हैं गो, गो वेंट। और एक और क्या होता है? गॉन, गो वेंट गॉन। तो बेसिकली गम और गच, गम का दूसरा परिवर्तित रूप गच होता है, आपको पता है। तो गम धातु के हम पांचों के पांचों जो लकार हैं उनमें पढ़ेंगे। चूंकि ये धातु भी आपकी कौन सी होती है? परस्मई पदी होती है। कौन सी धातु होती है? परस्मई पदी। इसलिए इसका भी आपका उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है लट लकार वर्तमान काल। तो ये आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या होता है फार्मूला, ती ता अंति। और यहाँ क्या होता है? सी था था। और ये हो जाएगा आमी आवह और आम है। तो आप देखेंगे कि गच धातु इन्होंने यूज़ करी है, गच धातु। तो बस यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपका क्या लगा है, यहाँ पर जो गच धातु है वो आगे लग गया और बाकी पीछे का पीछे सफिक्स लगा। देखो ती ता अंति सी था था और ये आमी आवह आमा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में बस आपको क्या रख देना है, वैल्यू रख देना है। गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि गच्छथे गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामे। तो जैसे यहाँ का इसका उपयोग कैसे करें, जैसे वह जाता है तो शह गच्छति, वह जाता है शह गच्छति, वो दोनों जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तौ गच्छते है। क्या हो जाएगा? तौ गच्छते। और वे सब जाते हैं तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ते गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति। और तुम जाते हो तो तुवम गच्छसि, तुम दोनों जाते हो तुवम गच्छते यूवाम गच्छते। और तुम सब जाते तो यूयम गच्छत, और मैं जाता हूँ तो अयम अयम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं तो आवाम गच्छावे, और हम सब जाते हैं तो वयम गच्छामे, ठीक है गाइस। तो ये आपका हमने पढ़ा है लट लकार वर्तमान काल में किसका प्रयोग पढ़ा है, गम धातु या फिर इसको कह सकते हैं गच्छ धातु। दोनों में से किसी एक का भी आएगा तो आपको इसी का ही करना है। आप गम का भी कर सकते हो लेकिन ज़्यादातर ये गच्छ धातु के साथ ही प्रयोग होता है। आइए अब दूसरे में पढ़ते हैं जिसका नाम है लंग लकार, यानी कि भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। किसका पढ़ रहे हैं हम? गम धातु या गच्छ धातु का पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है जाना और इंग्लिश में कहते हैं गो। तो अब यहाँ पर भी आपको मैं बता दूँ कि फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर देखो आ देखो गच्छ धातु आपको अलग दिख रही है, मैं आपको यहाँ पे गोला बना देता हूँ। ये गच्छ धातु है, ये गच्छ, ये इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये आधा चा है, सॉरी है ना, ये ध्यान रखना, ये आधा चा है, इसमें अलंत लगा रहता तो वो आधा चा है। और ये गच्छ धातु है ये, और यहाँ पर भी ये गच्छ धातु है, और ये भी गच्छ धातु है, और ये भी गच्छ धातु, और ये भी गच्छ धातु है। देखेंगे तो आप अत अताम अन अह अतम अत अगत अम आव आम। तो आप ध्यान से देखें, सब गच्छ धातु को बीच में भर दिया है, यहाँ पर अत के बीच में, यहाँ पर आपका अताम के बीच में भर दिया, और यहाँ पर अन्य के बीच में भर दिया है, ठीक है ना। तो आगच्छत आगच्छताम आगच्छन आगच्छत है आगच्छतम और आगच्छत। तो आप जैसे यहाँ पर वैसे बह गया तो सह आगच्छत, पास्ट टेंस से बात करेंगे सह आगच्छत, और वो दोनों गए तो तौ आगच्छताम, तौ आगच्छताम, और वो सब चले गए तो ते आगच्छन, ते आगच्छन, ठीक है ना। और तुम के लिए तो तुवम, तुम गए तुवम आगच्छा, तुम दोनों चले गए तो युवाम युवाम आगच्छताम आगच्छतम। यहाँ पर ध्यान रखना है ये तम है, ऊपर वाला तम है तो आगच्छतम, और तुम सब चले गए तो क्या हो जाएगा यूयम आगच्छत। और इसके बाद यहाँ पर मैं चला गया तो अयम, तुम हम दोनों चले गए तो हो जाएगा आपका ये आवाम आगच्छाव, और हम सब चले गए तो ये जाएगा वयम आगच्छाम। समझ गया बात को? तो अत अताम अन अह अतम अत
अम आब आम और बीच में हमने पुट कर दी है गच्छ धातु को, जो कि मैंने यहाँ पे गोला लगा के आपको बता दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ से, लट लकार, इसको हम कहते हैं भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, गम धातु या फिर गच्छ धातु के उपयोग को, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में गो यानी कि जाना, और यहाँ पर हिंदी में होता है इसका मतलब जाना। तो देखो यहाँ पर गच्छ यूज़ नहीं करा है, यहाँ पर गम यूज़ करा है। यहाँ पर कौन सी धातु यूज़ करी है, गम, क्योंकि इसका फार्मूला होता है इष्यति, क्या होता है इष्यति, इष्यते, तो वो देखो ई की मात्रा लगाई है बस, गमी 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 ई की मात्रा लगा दी बस, ये देखो गमी 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 गमी, तो गमिष्यति तो इष्यति, इष्यते इष्यन्ति, इष्यसि इष्यते इष्यत, इष्यामि इष्यावे इष्यामि, समझे। मैं चाहो तो आप कहें तो फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो ये हो जाएगा आपका इष्यति, ये हो जाएगा आपका इष्यते है, और ये आपका इष्यामि, इष्यामि, इष्यन्ति, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका इष्यसि, ये आपका हो जाएगा इष्यत थे, और ये आपका हो जाएगा इष्यत, और ये हो जाएगा आपका इष्यामि, ये हो जाएगा आपका इष्यत, इष्यावह, और ये हो जाएगा आपका इष्यामे, ठीक है ना। तो ये इसमें बस उन्होंने क्या कर दिया, गम, तो गमी, तो ई की मात्रा लगे, तो गमिष्यति, गमिष्यते, गमिष्यन्ति, मतलब वह जाएगा, फ्यूचर टेंस है ना, तो वह जाएगा या फिर वे दोनों जाएंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, तऊ गमिष्यते, वे सब जाएंगे तो ते गमिष्यन्ति, तुम जाओगे तो वम गमिष्यसि, तुम दोनों जाओगे यू, हाँ युवाम गमिष्यते, और तुम सब जाओगे तो यूयम गमिष्यत, हम मैं जाऊंगा तो अयम गमिष्यामि, हम दोनों जाएंगे तो आवाम गमिष्यामि, और हम सब जाएंगे तो वयम गमिष्यामे, समझ गया बात को। तो ये आपका बेसिक चीज़ थी, तो ये था आपका लिट लकार, किस में लिट लकार भविष्यकाल था, फ्यूचर टेंस, गम धातु, गच्छ धातु में। अब आते हैं लोट लकार में, लोट लकार में यहाँ पर गच्छ धातु का ही प्रयोग किया गया है, तो गच्छ तू, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे सफिक्स लगाए, मतलब प्रत्यय लगाए, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, कुछ नहीं है, सब सेम का सेम रहा है, कुछ नहीं, तम त आनी आब आम, आनी आब आम, तो देखेंगे तू, तो देखो गच्छ तू, गच्छ ताम, गच्छन्तु, कुछ नहीं है, तो कोई चेन नहीं, सिर्फ यहाँ पे गच्छ लिख दिया, और ये गच्छ तम, और ये गच्छत, और ये देखो आनी तो गच्छानी, गच्छावे और गच्छाम, समझ गए। तो इस तरीके से हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस पीछे पुट करना रहता है, लगाना रहता है। अब यहाँ तक विधि ने लकार चाहिए, और जहाँ पे चाहिए की बात है, उसको जाना चाहिए, उसको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए की बात हो रही है, तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम सबको जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, उन दोनों को जाना चाहिए, उन सबको जाना चाहिए, यहाँ पर मुझे जाना चाहिए, हम दोनों को जाना चाहिए, और हम सबको जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी इसने फॉर्मूला यूज़ करा है, यहाँ पर फॉर्मूला है आपका एथ, ए की मात्रा, एथ ए की मात्रा, सिर्फ एथ, एताम ए यू, और ये जाएगा ए एतम एथ, और आपका एम एव एम, सॉरी एक ही मात्रा, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो देखेंगे एथ तो गच्छेत, गच्छेताम, एयू गच्छेयू, ए है तो गच्छे, एतम तो गच्छेतम, एत मतलब गच्छेत, एयम मतलब गच्छेयम, गच्छेव गच्छेम, जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं, सबसे पहले गच्छेत का पढ़ते, इसमें जाएगा उसे जाना चाहिए, तो उसे जाना चाहिए, अब जाना चाहिए अर्थ आ रहा है, जाने की बात हो रही, मतलब कि विधि लकार है, उसे मतलब सह, और यहाँ पे क्या हो जाए, सह गच्छेत, उसे जाना चाहिए, तुम हम उससे के बाद उन दोनों को जाना चाहिए, तो तऊ तऊ गच्छेताम, क्या हो जाएगा, तऊ गच्छेताम, उन सबको जाना चाहिए, तो ते गच्छेयु, तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम्हें तो तुवम गच्छे, क्या हो जाएगा, तुवम गच्छे, तुम दोनों को जाना चाहिए, तो हो जाएगा युवाम गच्छेतम, और तुम सबको जाना चाहिए, तो यूयम गच्छेत, मुझे जाना चाहिए, तो मुझे का क्या हो जाएगा, अयम, और ये हो जाएगा गच्छेयम, अयम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए, अयम गच्छेयम,
और गच्छेप हम दोनों को जाना चाहिए, तो आवाम गच्छेव, और हम सबको जाना चाहिए वयम गच्छेव। हाँ ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये गम धातु गच्छ, गम गच्छ धातु में अनेक जाना जिसका अर्थ होता है, उसमें हम पांचों लकार पढ़े तो ये पांचों का फोटो क्लिक कर सकते हैं, इनका मतलब समझ सकते हैं, क्यों इनका प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो गैज अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। अगर ये सब आप करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।